हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सक्सेना आज फिर बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हार्मोन सिस्टम इज सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स। लीडिंग कोशिकाओं से किस प्रकार का हार्मोन सिस्टम रिलीज होता है या निकलता है? आपके ऑप्शंस हैं एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन या गोनाडोट्रोपिन। इसका सही आंसर है एंड्रोजन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? प्रेजेंट होते हैं मेल्स की टेस्टिकल्स में, यानी वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। कॉर्टिसोल किससे स्रावित होता है या सिक्रीट होता है? ऑप्शंस हैं आपके पैंक्रियास, थायराइड, एड्रीनल या थाइमस। इसका सही आंसर है एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? ग्रंथि जो होती है हमारे किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एक टोपी के रूप में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम एड्रीनल है। रीनल मतलब किडनी, एड मतलब अबव। क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, यानी जिसे हम पीत पिंड भी कहते हैं, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑप्शंस हैं आपके प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन। राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? जो ओवरीज में से जब अंडा रिलीज हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल का जो कवर है, एम्प्टी फॉलिकल, वो बना हुआ रहता है, उसी को हम कॉर्पस ल्यूशियम कहते हैं। इस दौरान अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूशियम जो है ये पूरे 9 मंथ्स तक एज इट इज रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं ये रिलीज करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मैसेंजर इन प्रोटीन हार्मोन सिग्नलिंग। यानी ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन के बने होते हैं, जब वो अपना फंक्शन कैरी आउट करते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो उनको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत होती है। तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर है जो प्रोटीन के हार्मोन सिग्नलिंग में मदद करता है? ऑप्शंस हैं आपके साइक्लिक एएमपी, इंसुलिन, T3 और गैस्ट्रिन। द राइट आंसर इज साइक्लिक एएमपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ थायमोसिन। थायमोसिन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ब्लड शुगर, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, डिक्रीजिंग आरबीसीज। ब्लड शुगर बढ़ाना, ब्लड कैल्शियम बढ़ाना, या लिम्फोसाइट्स का उत्पादन बढ़ाना, या आरबीसीज कम करना। तो आपको पता है थाइमोसिन जो है वो थाइमस ग्रंथि जो होती है गले में, उससे कनेक्टेड है, और यहाँ पर हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, उनका मैचुरेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, लिम्फोसाइट्स का ही प्रोडक्शन ये बढ़ाते हैं। तो राइट आंसर इज टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जो है वो क्या बनाने में शुरुआती मॉलिक्यूल है? ऑप्शंस हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, थायरोक्सिन एंड T3, या फिर हम इसे बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनाइन, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसलेट ऑफ लैंगरहंस आर प्रेजेंट इन। लैंगरहंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं आपके एड्रीनल ग्लैंड, पेंक्रियाज, पिट्यूटरी या ओवरीज। द राइट आंसर इज पेंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन। एंटी डायूरेटिक क्या होता है? डायूरेटिक मतलब होता है जो यूरिन की वॉल्यूम बढ़ाए, और एंटी डायूरेटिक क्या होता है? जो यूरिन की वॉल्यूम कम करे। तो इसमें से ऐसा कौन सा हॉर्मोन है जो एंटी डायूरेटिक की तरह काम करता है? ऑप्शंस है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, मेलेटोनिन और थायमोसिन। द आंसर इज वैसोप्रेसिन। मेलेटोनिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन को
मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, थाइमस, हाइपोथैलेमस और पीनियल। द राइट आंसर इज पीनियल ग्लैंड। वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? किस दिन विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 14th नवंबर, 14th फरवरी, 15 अगस्त या 26 जनवरी। द राइट आंसर इज 14 नवंबर। जिस दिन चिल्ड्रंस डे होता है उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ADH? जो लोग एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके शरीर में ADH हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन हार्मोन के प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ये ADH को बढ़ा देता है, ये ADH को कम कर देता है, इसका कोई असर नहीं होता, या ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। तो इसका सही आंसर है ये ADH को कम कर देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डिसऑर्डर इज कनेक्टेड टू लो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन? थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में कमी लाने के लिए कमी होने से इनमें से किस प्रकार का डिसऑर्डर देखने को मिलता है? ऑप्शंस हैं क्रेटिनिज्म, मिक्सोडेमा, गॉइटर या ये सभी। तो आंसर है ये सभी। ये तीनों बीमारियां जो हैं या तीनों डिसऑर्डर्स जो हैं ये ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती है जिनका थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। जैसे गॉइटर में घेंगा रोग होता है, गला ऐसा बड़ा सा हो जाता है। मिक्सोडेमा में भी बॉडी जो है वो बहुत बड़ा होता जाता है। क्रेटिनिज्म में भी ऐसे ही होता है ना, ओडेमा मतलब सूजन टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूटिलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस? जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या फिर जिसे हम शायद गठिया रोग भी कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इनमें से कौन से हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं? पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तीसरा है एपिनेफ्रिन और चौथा है ग्रोथ हार्मोन। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये कॉर्टिकॉइड के हॉर्मोन्स होते हैं यानी कि एक प्रकार का स्टीरॉयड के इंजेक्शंस जो है वो आर्थराइटिस में दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर हेल्प्स इन लिसनिंग? जो हमारा अंतः कर्ण होता है उसमें कौन सा पार्ट जो है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसमें असल में सुनने में मदद करता है? पहला ऑप्शन से कॉकलिया जिसे कि कर्णावृत कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स जिसे अर्धवृत्ताकार नलिका कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका यूट्रिक्यूलस जिसे धृति कहते हैं और चौथा ऑप्शन है आपका सेक्यूलस जिसे गोणिका कहते हैं। तो इसका सही आंसर है कॉकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस ईयर वैक्स? जो कान में मोम बनती है वो कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन सलाइवरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड या सेबेशियस और सेरुमिनस ग्लैंड। तो इसका सही जवाब है सेबेशियस एंड सेरुमिनस ग्लैंड। यानी कि सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो वसा या तेल प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और ये जो होता है सेरुमिनस ग्लैंड जो है वो संसिद्ध प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से वो ईयर वैक्स बन जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।